निगम में तो 2 रुपया खर्च नहीं हुआ साहब, स्मार्ट सिटी के पैसे का व्यय बर्बाद कर रहे। इस सरकार में एक ही काम, देदाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, टीआई भी लेता है देता है। रायपुर चौपट गुंडागर्दियों का हब। अरे गोल बाजार थाने के पीछे खुलेआम सट्टा चलता है, नाम दे दूं? अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ इसलिए नहीं बनाया कि गलत हाथों में जाए। रायपुर की जनता सुबह से ही कंफ्यूज है, कंफ्यूजन इस बात को लेकर कि आज सुबह से ही बारिश हो रही है। वो कंफ्यूज है कि रेनकोट पहने कि स्वेटर पहने। लेकिन आज साइंस कॉलेज चौपाटी में अनिश्चितकालीन धरने पर रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक और मंत्री रहे राजेश मूणत धरने पर बैठे हैं। किस बात को लेकर अनिश्चितकालीन धरना? बंदर अवैध चौपाटी के निर्माण सरकार कर रहे हैं, ना खुद की जमीन है, विभाग दूसरा, जो एडीबी एरिया में नहीं आता, स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग, या चौपाटी बना के आप किसके हित में काम कर रहे हैं? छात्रों के हित में, छात्रों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चाहिए, हजारों की वेटिंग चल रही है। छात्रों के लिए करना चाहता हो तो रीडिंग जोन कर दीजिए आप, लेकिन यह किसको बसाना चाहते हो, किसको लाना चाहते हो? चौपाटी के माध्यम से आप करना क्या चाहते हो? बच्चों के हित में नहीं है, या कुछ राजनीतिक दल के नेताओं के लिए अपने लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, और इसका हम विरोध करते हैं। एजुकेशन हब बना हुआ है यहाँ ऑलरेडी, ये पूरा अवैध बना रहे हो आप। ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शा तक पास नहीं हुआ है, इसके अंदर ये जगह आरक्षित है, या एजुकेशन को छोड़ के कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती ठोस? नालंदा परिसर बना हुआ है, साइंस कॉलेज बना हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है, NIT है यहाँ पर हमारा, संस्कृत कॉलेज है, UTD है, रविशंकर विश्वविद्यालय, ये एजुकेशन है, एक बड़ा ग्राउंड बचा है, उस ग्राउंड को बर्बाद करना चाहते हो। कभी कोई VIP आता था इस रोड से जाता था अंदर, उसको लाना ताकि वहाँ पर कोई भगदड़ ना हो, कोई वो नहीं हो, लेकिन ये ऐसा काम करके आप करना चाहते हो, इसका हम विरोध कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में लगातार हम लड़ते रहेंगे। सर, महापौर कहते हैं कि ये सब निर्माण कार्यों से चौपाटी हो गया, उद्यानों का सौंदर्यीकरण हो गया, इसके तहत वह रायपुर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं। किस चीज़ का स्मार्ट? इंदौर घूम के आए ना, एक मेरे को चौपाटी बता दे किसी गार्डन में बनी हो तो। किसको स्मार्ट बनाना चाहते हैं? स्मार्ट नगर निगम में तो 2 रुपया खर्च नहीं हुआ साहब, स्मार्ट सिटी के पैसे का व्यय बर्बाद कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने पैसा दिया, उसको बर्बाद करने के लिए दिया? तालाब को बेच खा रहे हो? तेलीबांधा तालाब क्या है? लोग घूमते थे ना, आप भी गए होंगे कभी वॉकिंग में, वहाँ तिरंगा जलता था ना, लाइट जलती, क्यों तिरंगा नीचे आ गया? लाइट बंद हो गई, दोनों तरफ लोगों ने खोल लिया, लोग वॉकिंग नहीं कर पा रहे। तो जरा इस पर चिंता करें, मेरा आग्रह है। महापौर जी ने क्या किया? स्मार्ट पोल, किसके लिए स्मार्ट पोल लगाया साहब? और वो भी छत्तीसगढ़ सरकार के पैसे में। केंद्र सरकार ने जिन योजनाओं में पैसा दिया, स्मार्ट सिटी के पैसे का अपव्यय हो रहा है, कोई ठोस काम एक भी नहीं हुआ इस शहर के अंदर इनके 3 साल के कार्यकाल में। इस क्षेत्र के विधायक है विकास उपाध्याय, जैसा उनका नाम है, वो कहते हैं कि उन्होंने विकास किया है 4 सालों में। आप जाओ उनके साथ घूम के आओ, दूरबीन लेकर के जाओ, कुछ काम किया हो तो दिखा देना मेरे को भी आके। सर, मेरा अंतिम यही प्रश्न है कि चौपाटी से रायपुर चौपट या फिर स्मार्ट? रायपुर चौपट गुंडागर्दियों का हब, अशांति का वातावरण, नशीले पदार्थों का स्मारक। छत्तीसगढ़ कभी शांत प्रदेश होता था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ इसलिए नहीं बनाया कि गलत हाथों में जाए, और छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने वाले उनको हम सहन नहीं करेंगे। ये थे रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक एवं मंत्री रहे राजेश मूणत। उनका साफ तौर पर कहना है कि अनिश्चितकालीन धरने के माध्यम से वह इस चौपाटी का विरोध कर रहे हैं, इसके माध्यम से बेरोजगारी बढ़ जाएगी, साथ ही अन्य मामले, नशाखोरी, गुंडागर्दी, ये सब मामले भी बढ़ेंगे। कैमरामैन शुभम साहू के साथ हरी साहू, बोल छत्तीसगढ़।